Hello children, this video is for class 6 and I will teach you today fridge chapter 3 in grammar. Okay, what is fridge? Fridge is a group of words without subject and verb. Listen carefully, without subject and verb. Okay children, fridge में ना subject होता है और ना verb होता है. थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं. Okay, flashback करते हैं, सेंटेंस पर आते हैं. सेंटेंस का मैंने क्या डेफिनेशन दिया था? दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट सेंस. ओके, इसमें कंप्लीट सेंस होता है. इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. ओके चिल्ड्रेन, एंड इन द सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. इन द सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. एंड इन द सेकेंड चैप्टर we read about the clause. What is clause? A group of words having subject and verb. Okay, a group of words having subject and verb. And now this is fridge. It is also a group of words but without subject and verb. Understand? Tino similar hai kyunki tino mein group of words hai. Sentence, clause, fridge. तीनों सिमिलर हैं बिकॉज दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वो लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. बट फ्रेज इज डिफरेंट बिकॉज इन द फ्रेज वी डोंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. अंडरस्टैंड? एंड इन द क्लाउज वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. एंड इन सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट मेक्स सेंस. The clause also makes sense, but not always. Dependent clause make sentence, but independent clause don't make sense. Understand? But in the phrase, it has no any sense. Okay? ये sense कभी कभी दिखता है इसमें और कभी कभी नहीं दिखता है. Okay children? Now come here, definition of phrase. A phrase is a group of related words without both subject and verb. देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें group of words तो है ये, लेकिन इसमें subject and verb नहीं है. Understand? Now, how many types of phrase? Noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, preposition phrase, infinitive phrase, participle phrase and gerund phrase. इतना types है इसमें. अंडरस्टैंड चल लेना. सबसे पहले क्लियर आपको करना है कि फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में क्या क्या अंतर है. ठीक है, फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है. यदि सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा. अंडरस्टैंड? एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका, वी वेयर लाफिंग एट द जोकर. वी वेयर लाफिंग, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, लाफिंग आपका वर्ब हो गया. अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्लाउज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्लाउज. इट मेक्स सेंस, इसका मतलब ही सामने आ रहा है ना, जिससे हम लोग हंस रहे हैं. और दूसरा क्या है आपका? एट द जोकर, ये आपका फ्रेज होगा. क्यों फ्रेज क्यों होगा? इसमें ऑब्जेक्ट तो है जोकर, ये एक नाउन है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है. अंडरस्टैंड? इसलिए ये फ्रेज कहलाएगा. सबसे पहले क्लियर कंसेप्ट कीजिए कि क्लाउज और फ्रेज में क्या अंतर है. क्लाउज में आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, बट इन द फ्रेज वी डोंट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. अंडरस्टैंड? और आपका फ्रेज में ये सब टाइप्स है, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज जो कि आपका नाउन की तरह काम करता है, इट फंक्शंस लाइक नाउन. वर्ब फ्रेज, इट फंक्शंस लाइक वर्ब. तो जो जिसका फंक्शन है उस हिसाब से फ्रेज को क्लासीफाई किया गया है. ओके, नाउन नंबर वन, नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज देख लो, नाउन के साथ क्या रहेगा? मॉडिफायर. मॉडिफायर मीन्स क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करे. अंडरस्टैंड? मॉडिफायर मीन्स डिस्क्राइब. नाउन के साथ डिस्क्राइबिंग वर्ड रहेगा कुछ, नहीं तो नाउन के साथ डिटरमाइनर्स रहेगा. एंड व्हाट इज डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होता है ए एंड द. ओके, नहीं तो दिस, दैट, दोज. ओके चिल्ड्रेन, नाउन फ्रेज क्या होगा?
नाउन के साथ मॉडिफायर रहेगा, इट मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, नहीं तो डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है? ए एंड द, दिस दैट दोज, नहीं तो प्रोनाउंस, यदि आपका यू हर हिज ऐसे लगा रहेगा, योर्स आई मी माई, ये सब भी आपका डिटरमाइनर्स में आएगा, अंडरस्टैंड। तो सी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, इसमें वाटर आपका हो गया ना नाउन, अ ग्लास फुल ऑफ, तो वाटर कितना है? एक ग्लास भर के है, अंडरस्टैंड। तो ये आपको मॉडिफाई कर रहा है कि पानी कितना है, तो ग्लास फुल है, तो मॉडिफायर के साथ नाउन है, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। द बॉय, देखो मैंने कहा था डिटरमाइनर, द ए एंड द आपको डिटरमाइनर्स आता है, बॉय आपका नाउन हो गया, नाउन के साथ द लगा हुआ है, इसलिए ये भी नाउन क्लॉज हो जाएगा। ओके, इन दिस वे नाउ कम हियर प्रीपोजिशनल फ्रेज, पहले तो आप ये देखो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस, हाँ टेल मी चिल्ड्रेन, व्हाट आर प्रीपोजिशंस? ए ऑन द टेबल, नियर द वॉल, एट द डोर, अंडर अ ट्री, ओके, इन, ऑन एंड अंडर, दीज आर द प्रीपोजिशन, तो जहाँ पर ये रहेगा तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, अ गर्ल ऑन द रूफ, ओके, ऑन, ऑन आपका प्रीपोजिशन आ गया, इन, इन भी प्रीपोजिशन है, अंडरस्टैंड, देन दीज आर द प्रीपोजिशनल फ्रेज, अंडरस्टैंड। नाउ कम हियर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडिफाई करता है नाउन को, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो वो मॉडिफायर एडजेक्टिव कहलाता है, अंडरस्टैंड। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, नाइस, ओके, विथ ब्लैक, फुल, ओके, फुल नहीं तो एम्प्टी मॉडिफाई कर रहा है, अंडरस्टैंड। दीज आर द एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ कम हियर एडवर्ब, एडवर्ब पहले तो आप सीखोगे एडवर्ब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जब कोई भी एक्शन, वो एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, ओके, कहाँ हुआ, जब ये सब रहता है तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, अंडरस्टैंड। कोई भी एक्शन, हाउ मीन्स वो कैसे हैपन हुआ, व्हेन मीन्स कब हुआ, व्हाई क्यों हुआ, ओके, नहीं तो वेयर, ओके, वेयर कहाँ हुआ, अंडरस्टैंड। जब कोई भी एक्शन हमें दिखे कि कब हुआ है, ये कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसे एडवर्ब कहेंगे, अंडरस्टैंड। नाउ एडवर्ब फ्रेज, राधिका ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, मतलब कि राधिका जो है वो बिहेव करती है गुड मैनर में, कैसे करती है, गुड मैनर में, ओके चिल्ड्रेन। आई वॉज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, ओके, कैसे शाउट कर रहा है, तो लाउड वॉइस में शाउट कर रहा है, ओके, इन अ लाउड वॉइस, इन अ गुड मैनर, देखो यहाँ पर हाउ है ना, कैसे वो कर रहा है गुड मैनर में, लाउड वॉइस में, ड्राइव्स कैसे कर रहा है, केयर के साथ, सैट इन द कॉर्नर, मतलब कहाँ बैठा है, वेयर आ गया ना यहाँ पर, ये सब आपका हाउ हो गया ना, आइए आपका वेयर हो गया, अंडरस्टैंड, ये आपका वेयर हो गया, इस टाइप का यदि रहेगा इट मीन्स, ओके चिल्ड्रेन, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज, वी नो दैट, कभी भी कुछ भी यदि रहेगा हाउ व्हेन वेयर, इट मीन्स इट कम्स इन एडवर्ब, कोई भी एक्शन कैसे टुक प्लेस हुआ है, इन अ गुड मैनर, इन अ लाउड वॉइस, विथ केयर, और कहाँ ये एक्शन हुआ है, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, इन अ शॉर्ट व्हाइल, तो ये सब आपका एडवर्ब में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ कम हियर वर्ब फ्रेज, वर्ब में देखो यहाँ पर क्या है, इज ईटिंग, ओके, इज आपका एक्जरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा, तो ये वर्ब फ्रेज कहलाएगा, क्या होगा ये वर्ब फ्रेज, इज ईटिंग, अंडरस्टैंड। शुड स्टडी, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है,
स्टडी आपका मेन वर्ब हैज बीन स्लीपिंग. ओके दीज आर वर्ब फ्रेज. नाउ कम हियर इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव में आपका टू लगा रहेगा. अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन. लुक एट हियर टू टू. ओके टू वॉच मूवीज. टू अर्न रिस्पेक्ट. ये सब आपका इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा. नाउ कम जेरंड फ्रेज. जेरंड में आपका आई एन जी. हम लोग क्या देखेंगे आई एन जी. अंडरस्टैंड ये आई एन जी हम लोग देखेंगे. ओके आई एन जी जहाँ रहेगा वो आपका जेरंड फ्रेज हो जाएगा. नाउ कम हियर इन द एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज. ओके वी हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज हियर. आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज. देखो यहाँ द फर्स्ट प्राइज. प्राइज आपका क्या है नाउन. और द आपका डिटरमाइनर हो गया ना. फर्स्ट आपका मॉडिफायर हो गया. ओके द फर्स्ट प्राइज ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा. आई ट्राई टू सॉल्व द पजल. ये भी नाउन फ्रेज. डिड यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक. नाउन फ्रेज. ओके चिल्ड्रेन यू इंजॉय. यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. Enjoy आपका verb. इसलिए ये क्या है आपका ये आपका clause है. Did you enjoy reading this book? Okay? Reading आपका क्या हो sorry this हो गया आपका determiner. अब book हो गया आपका clause. इसलिए ये आपका noun clause. This book. Understand? Now come here next. The boy wants to go home. द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम. इसमें आपका कौन है नाउन क्लॉज सॉरी नाउन फ्रेज. द बॉय. अंडरस्टैंड हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल. डार्क स्टेबल नाउन क्लॉज. द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड. ओके यहाँ पर आपका द क्वेश्चन नहीं तो द एक्यूज्ड ये दोनों आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा. द बॉय डिनाइड स्टीलिंग द मनी. द मनी आपका नाउन क्लॉज. टू राइट सच रबिस. सच रबिस आपका नाउन क्लॉज. ओके आई डिसलाइक हैविंग टू पनिश माई किड्स. माई किड्स. आई विल हेट टू डू सच थिंग्स. सच अ थिंग. दीज आर द नाउन फ्रेज हियर. ओके इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू फर्दर स्टडी. ओके सो टिल देन बाय चिल्ड्रेन एंड सी द वीडियो टिल द एंड.